नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान में यात्रा का आज तीसरा दिन है। दर्रा स्टेशन गणेश मंदिर से यात्रा शुरू हुई है और लाडूपुरा के मंदाना में लंच ब्रेक होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, दर्रा स्टेशन गणेश मंदिर से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लाडूपुरा के मंदाना में लंच ब्रेक होगा और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट फिलहाल मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज यात्रा का तीसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है, फिलहाल यात्रा कहां तक पहुंची है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? बता दूं कि इंडिया भारत तीसरे दिन मोरू कल की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने गणेश किए और पूजा अर्चना की, उसके बाद में यात्रा की शुरुआत हुई। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि यात्रा के तीसरे दिन अब लंच ब्रेक चल रहा है। राहुल गांधी निजी स्कूल पहुंचे हैं, निजी स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा है। अभी यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है वो 3:30 बजे शुरू होगा और 3:30 बजे शुरू होने के बाद में 9.2 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी तय करेंगे, इसके बाद में जगपुरा पहुंचेंगे और जगपुरा में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल राजेंद्र, किस तरीके का उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है? भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करी थी तो राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि लगातार जो उत्साह का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने झालावाड़ भी देखा था और कोटा जिले में भी अब देखने को मिल रहा है कि कोटा जिले में भी लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों का जनसमूह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए बेकरार है। राहुल गांधी जिस मार्ग से भी होकर गुजरते हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोगों से सहज भाव से मिलते हैं और साथ में ही उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोडासरा सब कदम ताल मिलाते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखना जाहिर सी बात है, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता में कितना उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के साथ की अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की तो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट लगभग 1 महीने से तैयारी कर रही है। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्तावित मार्ग डिसाइड हुआ था और ये पता चल गया था कि भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी, तब से ही यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी चल रही है। दर्जनों मंत्री इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो साफ तौर पर बात यह है कि राजस्थान के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लगातार घर घर पीले चावल बांटे जा रहे हैं, पोस्टर बैनर और सब लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी कोटा झालावाड़ और क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं तो वहां पर पहले से ही लोग और कार्यकर्ता जनता तक पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल होइए। जिस तरह सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करते हैं और यात्रा की शुरुआत के साथ ही लोगों के अपार जन समूह यहाँ पर उस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुट जाता है, तो ये सब तस्वीरें इंडिया न्यूज राजस्थान लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहा है कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ एक है कि नफरत की राजनीति छोड़कर प्रेम और सद्भाव से देश का माहौल बनाया जाए। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर नेताओं की बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा इस यात्रा में शामिल है, क्या कोई अन्य नेता फिलहाल जुड़े हैं इस यात्रा से? ताजा अपडेट ये है कि राजस्थान के नए प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा कोटा पहुंच चुके हैं और कोटा पहुंचकर उन्होंने इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत भी की है और उन्होंने संगठन की नई नियुक्तियों को लेकर भी कहा है कि जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति कई समय से नहीं हुई है तो उनकी नियुक्ति होगी और साथ में ही जो सियासी उठापटक राजस्थान में चल रही है जिसको लेकर राजस्थान में कई बार जो राजस्थान के प्रभारी हैं 3 बार बदले जा चुके हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को वो किस तरह निर्वाह करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान से आगे की ओर प्रस्थान कर जाएगी तो उसके बाद में सुखजिंदर सिंह
जो राजस्थान के कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं वो मीटिंगों का दौर लेंगे और मीटिंगों के साथ ही और कांग्रेस को एकजुट करने की बात करेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अब यात्रा का ब्रेक चल रहा है, लंच ब्रेक है, अब यात्रा 3:30 बजे यात्रा का दूसरा पहर चालू होगा, तो उसके बीच में राजस्थान के नए प्रभारी राहुल गांधी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे और ताजा जानकारी ये है कि गोविंद सिंह डोडासरा उनकी अगवानी करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात का समय 12 बजे का रखा गया है। 12 बजे के बाद में गोविंद सिंह डोडासरा के साथ जसविंद्र सिंह रंधावा भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में शामिल होंगे और यात्रा में शाम को पैदल चलते हुए भी नजर आएंगे। जी ठीक है राजविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।